हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम, जैसे कि आपको पता ही है, आईपीओ का सीज़न है। काफ़ी सारे आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। बट कल कल की डेट में एक आईपीओ आने वाला है जिसको मेरे ख्याल से, मैं नाम ले, सभी लोग उसका नाम जानते ही है। सब लोगों को पता भी है, तो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जिसका आईपीओ आने वाला है वो है बर्गर किंग। बर्गर किंग है क्या? तो बर्गर किंग एक फास्ट फूड की चेन है। लाइक मैकडोनल्ड आपने सुना होगा, आपने डोमिनोज सुना होगा, आपने पिज़्ज़ा हट सुना होगा, और भी एटसेट्रा, बहुत सारे, KFC हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चेन है फास्ट फूड की, तो उनमें से एक है बर्गर किंग। और बर्गर किंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मैकडी। मैकडी मतलब मैकडोनल्ड्स का बर्गर आपने खाया होगा। बट सेम ही सेम चीज़, मतलब हर चीज़ थोड़ा सा मेन्यू चेंज हो सकता है। बट बर्गर किंग भी जो बीट करता है, सेकंड लार्जेस्ट अगर कहे तो मैकडोनल्ड के बाद बर्गर किंग आता है। और बर्गर किंग के बर्गर मैकडी के हिसाब, मैकडी के कंपैरिजन में थोड़े से सस्ते मिलते हैं, जैसे कि मैंने देखा है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी जितना आप मैकडी के में लोग जाते हैं, उतना ही बर्गर किंग में भी प्रेफर करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो मैकडी है, मैकडोनल्ड है, वो ऑलरेडी लिस्टेड है। उसके नाम से लिस्टेड नहीं है, बट एक कंपनी के थ्रू वो लिस्टेड है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के थ्रू वो लिस्टेड है। एज वेल एज हम डोमिनोज की बात करें तो वो भी लिस्टेड है। बट वो लिस्टेड कैसे हैं, वो है दूसरी कंपनी जुबिलेंट फूड के। तो फ़र्क क्या होता है कि ये जो बर्गर किंग है, ये खुद के कंपनी, खुद के नाम से लिस्टेड है। और वो दूसरी, क्योंकि जब हम कोई फॉरेन से कोई चीज़, जैसे क्योंकि ये ब्रांड है फॉरेन के, मैकडी, डोमिनोज ये, और बर्गर किंग ये है अमेरिका के ब्रांड। और जब कोई कंपनी लेके आती है ना, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी किसी फ्रेंचाइजी को ख़रीद लेती है और वो अपने नाम से उसे बेचती है। अगर आप फ्रेंचाइजी जैसे लेना चाहेंगे मैकडी की, तो आपको मैकडी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको उसके जो ओनर है, जो इंडिया में ओनर है, जो जो लेके आए हैं, जिनके पास राइट्स है, उसी के थ्रू आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो इसलिए उनका नाम अलग से है। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, वो मैं आपको ऊपर दे दूंगा। तो ऐसे ही एक आईपीओ कल की डेट में आने वाला है। कल की डेट में उसका आईपीओ शुरू होने वाला है। कल 2 दिसंबर है उस तारीख से, तो 10 बजे से आपका आईपीओ में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। एनालिस्ट भी कुछ कहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, आईपीओ की डिटेल्स सारी जानेंगे। तो आइए आईपीओ की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल, जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज हमारी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ फैला दीजिए, ताकि आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इस तरीके की वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तो आइए सारी डिटेल्स बर्गर किंग फास्ट फूड चेन, तो देखिए जान लेते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो बर्गर किंग इज द फास्टर ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है, क्योंकि पहला क्या है, पहला है मैकडोनल्ड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। विद हैविंग 216, मतलब 216 बर्गर किंग रेस्टोरेंट, 216 इसके रेस्टोरेंट है, एज वेल एज 8 सब फ्रेंचाइजी बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स है इसके। और अगर बात की जाए, इट हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट्स टू इस्टेब्लिश, डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग बर्गर किंग ब्रांडेड रेस्टोरेंट इन इंडिया। इट एम्स टू कैटर द इंडियन टेस्ट एंड प्रीफर थ्रू एडिंग न्यू फूड, मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो इनके प्रोडक्ट्स है, मैंने मैनेजमेंट का इनका इंटरव्यू देखा था, तो एवरी वीक ये कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं उनके मेन्यू में, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। तो जो इनोवेटिव करते रहते हैं, जो इनोवेशन करते रहता है हर एक कोई सी भी बिजनेस में, ऑब्वियसली बात है वो बिजनेस आगे हमारा बढ़ता हुआ नज़र ही आता है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि बर्गर किंग मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो इससे और भी हम की जान लेते हैं इसके, देखिए इनका कॉम्पिटिटिव स्टेंस क्या है, तो देख लेते हैं एक बार। जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ होती है, मोस्टली सब कंपनी सेम ही लिखती है, फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर, देखिए वैल्यूएशन, कस्टमर तो ऑब्वियसली बात है, कस्टमर बेस इनका काफ़ी अच्छा है। गांव में तो इतना नहीं होता, क्योंकि गांव में इनके आउटलेट भी नहीं आपको मिलेंगे, बट आपको शहरों में इनके आउटलेट ज़्यादा मिलेंगे। और शहरों की ही पब्लिक, आपको पता ही है, ज़्यादा फास्ट फूड प्रेफर करती है, गाँव की पब्लिक इतना प्रेफर भी नहीं करती, और वहाँ पर है भी नहीं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स इन इंडिया, इंडिया में देखिए अच्छे खासी इन फ्रेंचाइजीज है ऑलरेडी। उनका कुछ अलग से टारगेट भी है, 700 फ्रेंचाइजी ओपन करने का टारगेट है
ओके अब इन 2016 2026 तक, तो ब्रांड वैल्यू कस्टमर देखिए, ब्रांड वैल्यू तो है ही, बर्गर किंग सब जानते ही है, वर्टिकल स्केल चेन, सप्लाई चेन भी अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तो मैनेजमेंट तो ये तो सब बताते ही है, ओके और अच्छी बात भी है। कंपनी प्रमोटर्स की बात की जाए तो देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो क्यू एस आर एशिया पीटी लिमिटेड इज़ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो इंडिया में इन्हें जो इसके शेयर्स ले रखे हैं वो इस कंपनी के पास है, क्यू एस आर एशिया पीटी। ओके तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देख लेते हैं। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एक बार एक आइडिया लग जाता है। देखिए फाइनेंशियल, जैसे कि आपने और भी वीडियोस देखी होगी, आपने न्यूज़ में देखा हो, तो फाइनेंशियल इनके नेगेटिव में है, जो प्रॉफिट है उनका नेगेटिव में, फिर भी एक बार देख लेते। देखिए ये है 18, ये है मार्च 19, ये है मार्च 20, और ये है सितंबर, जो अभी का Q2 का रिजल्ट आया था उसकी बात है। तो टोटल एसेट की बात की जाए तो देखिए एसेट इनके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 18 में 7303 ओके मिलियन से रुपीज़ है, फिर 9204, फिर 11977 लगभग 12,000 कह सकते हैं, और अभी का जो है इनका एसेट वो 11,771.18 मिलियन रुपीज़ है। टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो देखिए रिवेन्यू कितना आया है, मार्च में आया 3887.37, और ये लगभग लगभग डबल कह सकते हैं, 6441.30 मिलियन रुपीज़। ये फिर बढ़ के 2020 में कितना हो गया, ये मार्च में हो गया इनका 8468, और ये अभी के हैं 15 6 15 16। तो देखिए अभी कोविड का सीज़न है, कोविड के सीज़न की वजह से क्या हुआ है कि अभी भी अगर आप मैं शहरों में हम देखते हैं तो मैकडी या फिर बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट में हम ऑनलाइन डिलीवरीज चालू है, बट अभी वहाँ पर जाके हम सिटिंग वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो होता क्या है कि सिटिंग अलाउ नहीं है तो पीपल की गैदरिंग अलाउ नहीं है कोविड की वजह से, तो पीपल अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, बट अगर आप फ्यूचर लॉन्ग टर्म की वजह से अगर इसे सोचते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसी चेन्स है कि लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो देखिए नेगेटिव में है, यहाँ पर 8,822.32 मिलियन रुपीज़, फिर 382.79 मिलियन रुपीज़, फिर 765.7 मिलियन रुपीज़ का लॉस, और फिर अभी लगभग सितंबर में 1190 कह सकते हैं, इतने करोड़ इतने मिलियन से रुपीज़ का इन्हें लॉस है। तो लॉस के पीछे ऑलरेडी मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, अगर हम लॉन्ग टर्म के इन पर, क्योंकि हम मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर इसे सोचना चाहिए किसी भी शेयर के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू रखेंगे, लॉन्ग टर्म किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे और अच्छे शेयर को रखेंगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता है। तो काफ़ी जो एनालिस्ट उन्होंने कहा है कि गेनिंग तो कह नहीं सकते ओके, बट ग्रे मार्केट का प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो गेनिंग तो पता नहीं, बट हाँ अगर इसे लॉन्ग टर्म के व्यू से आप सोचते हैं समझते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू देख लेते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पैसा मार्केट से उठा रही है कंपनी, आईपीओ ला रही है, मतलब क्या पैसा जुटा रही है, तो पैसा का करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट क्या है तो देख लीजिए, टू फाइनेंस द रोल अप ऑफ न्यू कंपनी ओनर बर्गर किंग रेस्टोरेंट ओके, टू मेट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, जो इनका प्लान है 2026 तक 700 रेस्टोरेंट ओपन करने का है, तो उसी में वो पैसा डालेंगे, कुछ इनके ड्यूज होंगे, कुछ उनका डेट होगा तो वो उसे चुकाएंगे, यही इनका ऑब्जेक्ट है ओके। एज वेल एज हम बात कर लेते हैं कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने लॉट मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना है तो वो सब जान लेते हैं। तो बर्गर किंग देखिए जो डिटेल्स है इसकी यहाँ पर देख लेते हैं, आईपीओ की डेट मतलब 2 दिसंबर मतलब कल की डेट में चालू हो जाएगा ओके, 4 दिसंबर मतलब 4 दिसंबर 2020 तक, मतलब 2 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको, कल बुधवार है तो बुधवार से आप शुक्रवार तक आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी ओके। एज वेल एज इशू टाइप की बात की जाए तो बुक बिल्डिंग इशू साइज है तो 59 to 60 रुपीज़ का आपको रखा है, तो आप 60 रुपीज़ पे एक 60 रुपीज़ के हिसाब से आप करिएगा, क्योंकि ये हैप्पीएस्ट माइंड में जैसे आपको 10% की रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ, ये केवल रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न छोड़ा था, तो इधर भी इन्होंने 10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर के लिए छोड़ा है, तो आप 60 रुपीज़ का जो बैंड विद इन्होंने दिया है वो दिया है 59 to 60, तो 60 रुपीज़ पे ही आप अप्लाई करिएगा। इश्यू साइज़ की बात की जाए तो देखिए 1,13,50,000
ओके इतने इक्विटी शेयर्स है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का यहाँ पर फेस वैल्यू है, तो एग्रीगेट मतलब 810 करोड़ रुपये ये जुटाएगी। फ्रेश इशू की बात की जाए जिसे हम आईपीओ कह देते हैं, तो लगभग 450 करोड़ रुपये का है, जिसमें वो 7 करोड़ 50 लाख शेयर यहाँ पर फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल की बात की जाए जो कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और अपनी हिस्सेदारी को मतलब वो पैसे सीधे प्रोमोटर्स के पास जाएंगे 360 करोड़ रुपये, तो लगभग 6 करोड़ ये जो शेयर है ये ऑफर फॉर सेल के थ्रू जाएंगे। इक्विटी फेस वैल्यू 10 रहेगी इनकी। बैंड जैसे कि प्राइस बैंड मैंने आपको बता दिया 59 to 60, तो 60 पे आप बेट कीजिएगा। मार्केट लॉट मतलब आपको एक लॉट लेना पड़ेगा, 1500 रुपये का एक लॉट है, तो सॉरी 15000 का एक लॉट है, सॉरी 250 शेयर का एक लॉट होता है, तो 60 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1500 से 15000 रुपये के एक लॉट आपको मिल जाएगा। मिनिमम ऑर्डर आप 250 शेयर का ही लगाना पड़ेगा, आपको एक लॉट खरीदना ही पड़ेगा। लिस्टिंग NSE एंड BSE दोनों साइड पे आपको, बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आपको मिलेगा। डेट की बात की जाए तो देखिए बिड मैंने आपको बता दिया 2 से 4 तारीख के बीच में आपको करना पड़ेगा, 2 से लेकर 4 तक ओपन है, और फाइन आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 9 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की अगर हम बात की जाए, अगर किसी को मिल गया तो 9 तारीख को मिल जाएगा, नहीं मिला तो आपको जो रिफंड है आपको 10 तारीख को मिल जाएगा, एज वेल एज क्रेडिट ऑफ द शेयर। अगर जिसे मिला होगा वो 11 तारीख के उनको अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और जो लिस्ट है वो 14 तारीख मतलब यहाँ पर देख के 14th of December को ये IPO आपको मार्केट में 10-11 बजे जो भी इनका टाइम होगा आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो लिस्ट में आपको प्रीमियम पे खुलता है, डिस्काउंट पे खुलता है, वो आपको उसी दिन पता चलेगी, क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड रहती है। जैसे कि हम SBI के टाइम पे देख चुके हैं और हैप्पीएस्ट मैन के टाइम पे देखे, दोनों का टाइम डिफरेंट था। ओके तो क्या हुआ था वो हम देख चुके हैं, ऊपर एक वीडियो दे दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ कि IPO हम अच्छे IPO भी गिरते हुए डिस्काउंट पे ओपन होते हुए दिखाई दिए हमें। तो अगर लॉट साइज की वजह से कि बता दिया, एक लॉट 250 रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3250 शेयर मतलब 1,95,000। बर्गर किंग के देखिए अभी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 99.39% की है, बट ये IPO आने के बाद उनके पास कितनी होल्डिंग रह जाएगी, केवल 60.08% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास रह जाएगी। तो देखिए कंपनी हैज़ रिजर्व अप टू 10% पोर्शन ऑफ IPO, देखिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10%, ओके नॉन इंस्टीट्यूशन के लिए 15%, मतलब आप 2 लाख से या उससे ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो आप नॉन इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, एंड अप टू 75% फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो QI जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो अच्छे अच्छे खरीदते हैं, एंकर इन्वेस्टर भी उसी में आते हैं, तो वो 75% उनके लिए रखा है। तो मतलब हैप्पीएस्ट 10% मतलब 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, तो चांसेस बड़े कम है पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हैप्पीएस्ट मैन में भी हुआ था, और ये IPO का जो एक्साइटमेंट है अमंग द पीपल ओके वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चांसेस बहुत कम है। बट एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आप अगर मल्टीपल अकाउंट से लगाते हैं तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ओके कि आपको एक अलॉट एक एक लॉट आपको इसका पूरा मिल जाए, तो वो आप खुद देख सकते हैं कि आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 2 लॉट के लिए या कितने लॉट के लिए। बट जितने भी करें वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से करिएगा अपने पूरे घर वालों, तो आपको एक मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बस श्योरिटी वहाँ पर भी नहीं है। तो शुड अप्लाई और नॉट तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए नेगेटिव कैश फ्लो है जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉस में कंपनी चल रही है, बट ऑफर इज अ रीजनेबल वैल्यूएशन मतलब 2.9 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, और कम जुबलियंट फूड जो कि डोमिनोज का है एंड वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो कि मैकडी का है, वो उनका 8.4 टाइम्स है और 4.4 टाइम्स है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छा मॉडल है इनका, ओके और इनका जो टारगेट है वो अलग ही है, ओके 700 फ्रेंचाइजी अक्रॉस द इंडिया ओपन करना चाहते हैं, तो इसी के लिए पैसा जुटा रहे हैं, तो शायद और भी हमें आगे टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट होने को हो सकता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो अभी जो इसका प्रीमियम चल रहा है 56% IPO का जो प्राइस है उससे चल रहा है, लगभग 90 रुपीज़ या 96-95 रुपीज़ के आसपास ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि
क्योंकि अभी देखिए मार्केट बहुत हाई पी पे चल रहा है, ओके आई थिंक लगभग 35-36 के आसपास पी पे चल रहा है, मैंने भी देखा नहीं है बट इतना ही होगा। इस आईपीओ इस पी पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एज वेल एज कोविड का इशू है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ओके कुछ भी, जैसे चाइना हमारे पास वॉर कर रहा है बार बार, ऐसी कोई आती है प्रॉब्लम मार्केट में, तो देखिए जहाँ अभी प्रीमियम चल रहा है वो डिस्काउंट पे भी ओपन हो सकता है, नेगेटिव में भी। तो इससे हमें घबराना नहीं है, आप इन्वेस्ट करिए, ओके आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करिए, नो डाउट कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। तो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, और एज वेल एज मैंने एनालिस्ट को भी देखा है काफ़ी, तो उन्होंने कहा है कि प्रीमियम की हम बात नहीं कर सकते बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है, और हमें आगने के टाइम पे ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। एज वेल एज हम अगर बात करें, कंपनी हैज़ रेज द प्री आईपीओ फंडिंग, मतलब आईपीओ से पहले जो इन्होंने पैसे जुटाए थे कुछ, तो 92 करोड़ रुपीज़ जुटाए थे, और वो भी अमान से एक इन्वेस्टर से, तो उसने 58.5 रुपीज़ पर शेयर पर ये पूरा का पूरा खरीद, मतलब 92 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स खरीदे थे। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखिए आईपीओ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर्स ने एंजल ब्रोकिंग और डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि आप इसे, और एनालिस्ट बता रहे हैं कि आप इस आईपीओ को ले सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और बर्गर किंग एक रिटेल चेन है, फास्ट फूड चेन है, जैसे कि मैकडी है, डोमिनोज है, तो आपको ये फुटफॉल तो होना ही है। अभी जैसे जैसे कोविड ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ पटरी पे आ जाएगा और इनका बिजनेस दोबारा चलने लग जाएगा, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, जो अभी 1100 समथिंग के मिलियन रुपीज़ का नेट लॉस था, वो आपको प्रॉफिट में चेंज होता हुआ दिख सकता है। और बर्गर किंग काफ़ी अच्छा भी है, मैंने पर्सनली भी खाया है और लोग खाते भी है, तो आप जाके ट्राई भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट कह रहा है कि हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, तो अब ऐसी बात है आगे चल के ये हमें काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट होने की आशंका है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और इसकी खुद की जानकारी आप विकिपीडिया या डिफरेंट साइट से आप ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।